हेलो एवरीवन, जो जो भी बच्चे आ चुके हैं रिप्लाई कर दें, ऑनलाइन आ चुके हैं जो भी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, जो भी बच्चे आ चुके हैं प्लीज़ मैसेज करते रहें ताकि फिर मुझे आइडिया लग जाए कि कितने बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, मेरे ख्याल से सभी बच्चे ऐड होते जा रहे हैं आज। सबको गुड मॉर्निंग। मेरे पास अभी केवल 3 का ही मैसेज आया है। सभी बच्चे जो जो भी आ चुके हैं ऑनलाइन, प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर दें या मैसेज कमेंट करना स्टार्ट कर दें ताकि फिर मुझे पता लग जाए। वॉइस क्लियर है बच्चों? फिर अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे ये भी बता दो किस किस ने मॉड्यूल कंप्लीट किया है, जो भी होमवर्क मैंने दिया था, किस किस ने मॉड्यूल का होमवर्क कंप्लीट किया है, जो मैंने दिया था उसका होमवर्क किस किस ने कंप्लीट किया है, प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट के थ्रू बता दें ताकि फिर अपन स्टार्ट करेंगे। बोलो बच्चों, जिसने भी होमवर्क कंप्लीट किया है ताकि फिर अपन आज मॉड्यूल का डिस्कशन करें, और अगर नहीं किया है तो फिर मुझे वैसा बताओ। मुझे एक ये बता दो, जैसे अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम और दूं, पर बच्चों वो करना ज़रूरी है ना। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग होमवर्क कंप्लीट करोगे तभी आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर सभी बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो मुझे रिप्लाई कर दें, और जिसने नहीं किया है वो भी फ्रैंकली कर दो, कोई बात नहीं। अगर जो टाइम होगा वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, बट मुझे एटलीस्ट ये बता दो कि किस किस ने कंप्लीट कर लिया है। मुझे मैसेज करें, कमेंट करें कि किस किस ने होमवर्क कर लिया है। प्रत्यक्ष का मैसेज अभी तक कुछ नहीं आया है। ओके, 83 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो चुके हैं। कुणाल तुम्हारा क्या है? मनन का तो होमवर्क कंप्लीट है, ठीक है। बाकी जल्दी बताओ भाई सब। प्रत्यक्ष, कुणाल, कंप्लीट है सभी का? ओके, तो बच्चों ये बताओ आज डिस्कशन करें या आज पहले पढ़ें? मैं तुम लोगों को वेक्टर की प्रैक्टिस कराऊं या फिर पहले डिस्कशन करना चाहिए? अगर आप लोग जो आप लोग सजेस्ट करोगे वो अपन करेंगे, अगर आप लोग कहोगे कि हमारे को डिस्कशन करना है तो अपन डिस्कशन करेंगे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताओ ताकि अपन फिर लेक्चर स्टार्ट करें। और अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया है? नहीं बच्चों, एक्सरसाइज 1 और 2 पूरा कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1 में 83 तक ही नहीं, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 2 में जो मैंने 1 to 38 तक का पार्ट दिया था वो भी आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक काम करो, आज ट्यूसडे हो गया, ठीक है, जिसने भी कंप्लीट नहीं किया है कोई बात नहीं, कल अपन दोनों चीज़ें करेंगे। एक तो पेपर भी डिस्कस करेंगे, साथ के साथ में एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 के अंदर 1 to 83 के जो भी डाउट्स है तुम लोग मुझे आज व्हाट्सएप पे भेज देना,
ताकि मुझे क्या होगा कि कल कमेंट के थ्रू ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आप लोगों को कौन कौन से डाउट है। ठीक है, तो कल अपन पेपर भी डिस्कस करेंगे, साथ के साथ जो मॉड्यूल है वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। और बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट भी हो सकता है डिस्कस, इसलिए वो भी आप लोग कंप्लीट कर लो। ठीक है, सभी लोगों को बात पहुंच गई मेरी? कल सभी बच्चे तैयार रहे। ठीक है, जिन जिन भी बच्चों ने होमवर्क नहीं करा है वो कल सभी पे जो भी क्लास होगी अपनी उसके अंदर सबसे पहले मुझे आज सभी बच्चों के आ जाने चाहिए मैसेज कि किस किस का क्या क्या डाउट है। क्योंकि क्या होगा बच्चों, मैं बार बार ये नहीं देख पाऊंगा कि आप लोगों के क्या कमेंट है, क्योंकि मुझे इधर मुझे बार बार कैमरा में देखने आना पड़ता है कि आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्या क्या है। तो प्लीज़ आप लोग आज मुझे कमेंट के थ्रू ये भेज दें, है ना। देखो बच्चों, अगर वेनसडे है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेनसडे होगा तो भी अगर अपने को डिस्कशन कंप्लीट करना होगा तो अपन करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो कल लेक्चर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में बिना डिस्कशन के अपन वेक्टर में आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं इसलिए आज वेक्टर का पार्ट इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि अपने को ये पता है कि अपन ने कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, उसके एग्जांपल आप लोगों को जब तक क्लियर नहीं होंगे, अगर बीच में अपन ने मैथमेटिकल टूल्स का कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अपन आज पहले एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लें वेक्टर की। आज इवनिंग तक सभी बच्चे प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के अंदर डाउट्स भेज दें कि एक्सरसाइज 1 के अंदर क्या क्या डाउट है, एक्सरसाइज 2 के अंदर क्या क्या डाउट है, है ना। क्योंकि इतना टाइम नहीं लगेगा बच्चों डिस्कशन के अंदर, क्योंकि जब अपन डिस्कशन करेंगे तो मुझे जो भी पार्ट आप लोगों को बताना होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों के डाउट बताओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी अपन वेक्टर स्टार्ट करें। कौन कौन आ चुका है लाइव? मैं जिन जिनको देख पा रहा हूँ, एक तो आ गया है प्रत्यक्ष मनन। ठीक है, ये नंबर मैं गेट नहीं कर पा रहा हूँ, 9166285582, ये जिसका भी है प्लीज़ मुझे बताएं। कुणाल लाइन पे आ चुका है, घर भी आ चुका है, ठीक है। अपन अब वेक्टर के स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना। जिस जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो आज एग्जांपल्स के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा भी उसके अंदर गड़बड़ करा तो आप लोगों को वेक्टर के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं आज पहले आप लोगों को वेक्टर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, ओके पूजा। ठीक है, चलो बच्चों अब अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चे आ चुके हैं। अब देखो अपना आज जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, ये समझ लो एग्ज़ाम में सबसे पहले तो देखो, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, है ना। अपन आज जो बच्चों एग्ज़ाम्पल करेंगे वो एग्ज़ाम्पल इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो इसलिए है क्योंकि हमने रिसेंटली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखा है। ठीक है, दूसरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल से अच्छे से प्रैक्टिस अगर हमने नहीं करी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो अपन आज थोड़े टिपिकल एग्जांपल्स करेंगे। जैसे कल मैंने आप लोगों को एक सीधे एग्जांपल्स कराए थे कि 2 वेक्टर दे रखे हैं तो क्या होगा, है ना। आज अपन थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जांपल करेंगे, है ना। चलो तो अपन फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, जिन चीज़ों में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है या जो भी है, उसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर अपने वहाँ पे जिस तरीके का प्रोसीजर यूज़ होता है वो चीज़ ध्यान में रखना। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताऊंगा भी सही, जो होते तो सॉल्व करने पे बहुत बड़े होते पर उनकी जो चीज़ें हैं वो अपने अगर डायरेक्ट रिजल्ट से देखें तो बहुत काम आएगी। ठीक, तो आज अपन पहला एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
देखो मान लो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है कि इफ इफ थ्री वेक्टर्स ऑफ ए बी सी ए बी एंड सी आर गिवन एज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो सम है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, आपसे बोला हुआ है इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। क्या बोला हुआ है, सी वेक्टर जो है वो क्या है, जो ए का है वो मैग्नीट्यूड है उसका डबल है। ठीक, आपसे पूछा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या बोला हुआ है बच्चों कि ये क्वेश्चन हमारे को दे रखा है कि किसी भी वेक्टर के अंदर एक इक्वेशन दी जाती है, वो इक्वेशन जो है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। ठीक, आपसे बोला हुआ है कि ए वेक्टर की वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड में डबल है बी वेक्टर के, और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डबल है ए वेक्टर के, और अपने से बोला हुआ है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कि ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। क्या करना है बच्चों, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ पता लग रही है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो बच्चों ध्यान से समझना। मुझे पता है कि एडिशन का फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है, पर कैसे अप्लाई करें, तो ऐसे देखो क्या ए प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वैक्टर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि जीरो के इधर जब जाएगा सी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सी। अब मुझे बताओ इफ वी कंसीडर मैग्नीट्यूड, अगर हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, मतलब मैंने ऐसे लिखा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये करने का मेन पर्पज़ क्या है, ये करने का मेन पर्पज़ ये है कि अगर मैं कहूँ कि ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, क्या है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो मैं मॉड ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी टू ए बी कॉस थीटा, ये आया। और अगर सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस लिखोगे तो भी अपने को पता है मोड लगे बाद तो सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। अब ये मत सोचना बच्चों की स्क्वायर क्या कर दिया, एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं आप लोगों को पॉइंट भी बता दूँ, पॉइंट क्या है, नॉट पॉइंट है ये, वैन स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर, अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं इज डन देन इट बिकम स्केलर, ये ध्यान में रखना, अगर किसी भी वेक्टर का आपने स्क्वायर कर दिया तो वो एक स्केलर बन जाता है एंड बिकम पॉजिटिव भी बनेगा एंड मैग्नीट्यूड विल बी कंसीडर, ओनली मैग्नीट्यूड ही कंसीडर किया जाएगा उसका, नो डायरेक्शन। और वैसे भी अपने को पता है कि यहाँ पे अगर वो स्केलर बन चुका है तो स्केलर बोलते किसे हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो। अब देखो बच्चों हमें पता है, क्या पता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर और ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर,
है ना। तो अगर मैं यहां लिखूं तो सी वेक्टर की जगह ऐसे लिख सकता हूं ना ट्वाइस ऑफ ट्वाइस बी वेक्टर, यानी ये तो हो गया 4b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आया यहां पे आएगा ए स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, ए की जगह 2b का होल स्क्वायर प्लस b की जगह तो b स्क्वायर प्लस यहां कितना आया 2 इंटू ये 2b इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16 बी स्क्वायर, ये आने वाला है ना। ध्यान से समझना यहाँ क्या आया, हमने एक चीज देखी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू निकल के आई, एक काम करो बच्चों इसको ए वेक्टर ही कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा है ना, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए अपन यही करते हैं ना। तो यहाँ पे 4b की जगह केवल 2b रहेगा तो यहाँ 4b स्क्वायर ही बनेगा। अभी इसका कारण बताऊंगा मैं, क्या कारण है सुनना ध्यान से। तो यहाँ देखो कितना आया, ये आ गया 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4b स्क्वायर आया। अब बताओ क्या 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई माइनस बी स्क्वायर, इसको तो इधर रखा इसको इधर भेज दिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आई कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/4। अपने को पता है कॉस थीटा अगर नेगेटिव भी है तो भी थीटा की वैल्यू क्या आएगी कॉस इनवर्स ऑफ 1/4, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही होती है, इसलिए अपन ने माइनस को हटा दिया। अब सुनो, मैंने वहाँ पे ये जो सी वेक्टर की जगह मैंने ये 2a था उसको चेंज क्यों किया, इसका कारण सुनो। जब मैंने 2a किया था तो यहाँ पे 4b आया था ना, यहाँ पे कितना आया था 4b, तो 4b का स्क्वायर करते थे यहाँ 16b स्क्वायर आता, यहाँ पे क्या आता 16b स्क्वायर। अब मुझे बताओ 16b स्क्वायर आता तो 16b स्क्वायर में से 4 और 1 5 5 माइनस करते तो कितना आता बच्चों 11 आता ना, तो यहाँ बच जाता है 11b स्क्वायर। अगर अपन वो पहले वाले क्वेश्चन को ही करते तो 11b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती 11/4, कितनी आ जाती 11/4। पर अपने को पता है साइन थीटा या कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 11/4 यानी 2.75 आ जाता है ना, इसलिए मैंने वहाँ पे क्वेश्चन को चेंज किया ताकि अपने पास जो डाटा रहे वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा सी वेक्टर को इसके इक्वल कर दिया। आप लोग क्वेश्चन की थीम समझो कि एक्चुअल में अपन ने किया क्या है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन और अच्छे से समझना। मान लो आपसे बोला जाए कि इफ टू वेक्टर्स, अच्छा ये क्वेश्चन पे स्टार है, ये क्वेश्चन पे स्टार और डबल ट्रिपल है, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो ये बहुत काम में आएगी। क्या इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैज देयर सम रिजल्टेंट इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है डी वेक्टर के, तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड द रिजल्टेंट डायरेक्शन, आपको क्या पूछा हुआ है फाइंड द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। क्वेश्चन को समझना बच्चों, क्वेश्चन ने क्या अच्छी चीज बोली हुई है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर कौन से ए और बी, उन ए और बी वेक्टर का जो सम रिजल्टेंट है ना, मतलब उनको जोड़ने से जो रिजल्टेंट आता है वो तो कौन सा रिजल्टेंट आ रहा है अपने सी वेक्टर, और अपने से बोला हुआ है जो उनको सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्टेंट आता है वो कौन सा वेक्टर आ रहा है, वो आ रहा है बच्चों अपने डी वेक्टर, है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप हमें ये चीज़ बताओ कि अगर हमने सी और डी का रिजल्टेंट निकाला
तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी डायरेक्शन आएगी, है ना, सी और डी का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो किस डायरेक्शन में आएगा। तो किस डायरेक्शन में आएगा, तो देखो सोचो, सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाएंगे, है ना। डायग्राम कैसे, देखो मैंने क्या करा, मुझे पता है कि ये ए वेक्टर हो गया और ये अपना क्या हो गया, बी वेक्टर। ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, बी वेक्टर। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन निकालना है तो माइनस बी की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैंने माइनस बी वेक्टर भी बना लिया। अब देखो मान लो इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। मान लो इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट आया वो ये आया सी। क्या लिखते हैं इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे डी वेक्टर निकालें, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, टोटल एंगल जो बनेगा वो आएगा 180 माइनस थीटा। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे डी वेक्टर, तो डी वेक्टर ऐसे आएगा ना, डी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। हमारे से क्वेश्चन ने ये कहा है कि ए और बी का रिजल्टेंट नहीं निकालना, वो तो हमें पता है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है, सम रिजल्टेंट, वो तो सी है, और ए और बी का जो सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट है वो डी है। हमें निकालना है, क्या निकालना है, टू फाइंड द रिजल्टेंट, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सी एंड डी। हमें क्या निकालना है, सी और डी के जो रिजल्टेंट है उसको निकालना है। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये कैसे निकालेंगे हम, ये कैसे निकालेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ ध्यान में भी रखना, व्हेन इट इज़ नॉट गिवन देन रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सम रिजल्टेंट। क्या होता है, सम रिजल्टेंट। देखो बच्चों, मैं एक बड़े तरीके से करना चाहूँ तो ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पहले तो सी निकाला, फिर उसके बाद डी निकाला, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाला, है ना। वो क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत बड़ा जाएगा और उसको सॉल्व करना पॉसिबल भी नहीं होगा। पर आप देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे ख्याल से मुझे क्या करना है, टू फाइंड एक ई वैक्टर जो क्या है, सी प्लस डी। भाई मैंने कहा ना, जब नहीं बोला जाए तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सम रिजल्टेंट। और हमारे को रिजल्टेंट किसका निकालना है, सी और डी का निकालना है ना, तो सी और डी का रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे सी और डी का रिजल्टेंट कितना होगा, तो सी और डी का रिजल्टेंट होगा हमारे यहाँ पे सी प्लस डी, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या होगा, यह आएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, और डी वैक्टर को क्या लिखेंगे, ए वैक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ध्यान से देखो, मैंने सी की वैल्यू ए प्लस बी पुट करी और डी की वैल्यू क्या पुट करी, ए माइनस बी। तो ये मुझे बताओ, बी से बी कैंसिल हो गया ना, क्योंकि ये अगर वेक्टर है तो ये उसका अपोजिट वेक्टर है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो हमने देखा ई वेक्टर जो आया वो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर आया। मतलब क्या पता लगा, मतलब यहाँ पे क्या चीज पता लगी, पता ये लगी कि द रिजल्टेंट। ये क्वेश्चन ध्यान में भी रखना बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लेना, कभी भी अपने से इंफॉर्मेशन में पूछ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ सी एंड डी हैज मैग्नीट्यूड ट्वाइस द ए वेक्टर एंड हैज सेम डायरेक्शन एज ए वेक्टर। हमारे से क्या बोला हुआ है, जो रिजल्टेंट है सी और डी का, वो हमेशा क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड ए से तो डबल होगा, पर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ए के इक्वल होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है बच्चों, आपसे डायरेक्ट ऐसे जेई वगैरह के क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, जेई में या नीट में। आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर हमारे को दो वैक्टर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं, दो वेक्टर का सम रिजल्टेंट सी है और सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट डी है, आपसे बोला जाए कि बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो हमेशा ए की डायरेक्शन में आता है और उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ए वेक्टर के इक्वल, ठीक है। अब आप लोग ये नोट कर लो, जिन जिन भी बच्चों को ये समझ में आ चुका है वो प्लीज़ मुझे बता दें, अगर कोई डाउट है तो वो पूछ भी सकते हो।
किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। जिन जिन भी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया एक अच्छे क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चंस अगर समझ में आ गए हो तो थम के थ्रू रिप्लाई कर दें। जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो ध्यान में रखें, मुझे थम के थ्रू रिप्लाई कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि सभी बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, फिर अपन और अच्छे क्वेश्चन कर सकें। आज ये समझ लो बच्चों कि अपन वेक्टर को समझने के लिए ही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और उन क्वेश्चन का मेन पर्पज़ क्या है कि हमारे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आना चाहिए। इसके बाद भले ही अपन मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो डिस्कशन के बाद ही स्टार्ट करेंगे, पहले अपन डिस्कशन करेंगे मॉड्यूल का जो आपको मिला है। कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो रिजल्टेंट वाला, कि कौन कौन से इसके रिजल्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से इसके रिजल्टेंट हो सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट था। आप लोग देखोगे मॉड्यूल के अंदर। अच्छा, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। देखो, जिस जिसने को भी ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो समझना ध्यान से। यहाँ अपने से बोला हुआ है कि दो वेक्टर है, क्या है, दो वेक्टर है ए और बी, जिनका सम रिजल्टेंट तो सम रिजल्टेंट जो है वो तो सी के इक्वल है, और सब्ट्रैक्शन जो है वो किसके इक्वल है, डी के। तो आपसे पूछा हुआ है कि सी और डी का जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैंने तो आपको मैग्नीट्यूड भी बता दिया, पर देखो अब तरीका क्या होता एक्चुअल में, आप मुझे बताओ। मैंने तो डायग्राम बनाया सबसे पहले, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो क्या आता है, केवल डायग्राम बनाना आता है। तो कैसे बनाओगे, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल मैंने थीटा बना दिया है ना। अब जब थीटा बना दिया तो समझना, जब ए और बी का के बीच में एंगल थीटा है और इनका सम रिजल्टेंट निकालना है तो हमें पता है इनका सम रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं आएगा। इनका जो सम रिजल्टेंट है वो किसके बीच में आएगा, वो आएगा इन दोनों के बीच में, और कितना आएगा, वो आएगा a प्लस बी के इक्वल, है ना। अब अगर मुझे सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट निकालना है तो सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट में क्या होगा, ये a वेक्टर और ये क्या है, b वेक्टर। पर इस b वेक्टर का माइनस b वेक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल एंगल 180 माइनस थीटा हो गया, इसका मतलब अब सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट निकलेगा। सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट निकलेगा तो वो इधर आएगा, इधर आएगा तो उसे क्या लिखोगे बच्चों, a माइनस बी वेक्टर, ये लिखेंगे ना, तो वो हमारा डी हो गया। तो उसने ये कहा ये सी और ये डी वेक्टर है, नए जो वेक्टर है ये कौन से, सी और डी वेक्टर। आपसे ये पूछा हुआ है कि रिजल्टेंट सी और डी का क्या होगा, रिजल्टेंट सी और डी का क्या होगा, इसलिए मैंने लिखा है कि टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सी एंड डी, मतलब हमारे को निकालना है सी और डी का रिजल्टेंट क्या है। तो देखो इसमें क्या करा, हमारे को पता है कि सर ने ये चीज बताई थी कि जब तक भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा हो सी और डी का रिजल्टेंट हमेशा कितना मानेंगे, सम रिजल्टेंट ही मानेंगे। जब तक नहीं दे रखा हो हमेशा क्या करोगे, रिजल्टेंट इंप्लाइज सम रिजल्टेंट। तो सम रिजल्टेंट का मतलब मान लिया मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट ई है, तो ई को क्या लिखोगे, सी प्लस डी। तो सी प्लस डी लिखेंगे तो देखो मैंने सी की वैल्यू पुट करी तो ये आ गया ए प्लस बी, और डी की वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया, ए माइनस बी। तो दोनों का जब अपन ने एडिशन किया तो बताओ बी वैक्टर और माइनस बी वैक्टर आपस में कैंसिल हो गए ना, क्योंकि बी वेक्टर अगर पॉजिटिव है तो ये अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमने देखा ई वेक्टर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर आया। ई वेक्टर जो निकल के आया वो क्या आया, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। इससे क्या पता लगा कि ई वेक्टर की डायरेक्शन सेम ए वेक्टर के आ रही, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डबल है। इसका मतलब ई वेक्टर जो निकलेगा उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के इक्वल होगी, और डबल किसके होगी,
ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब कभी भी हमारे से ये चीज़ पूछी जाएगी तो अपने को ये चीज़ क्लियर रखनी है ना। अब भी किसी को अगर नहीं आया हो तो मुझे बता दो। अब क्लियर है बच्चों, मुझे थम के थ्रू रिप्लाई कर दो, फिर अपन आगे बढ़ें। अब मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को समझ में आ चुका है प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर दो, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँगा। और नोट कर लिया हो ये भी बता देना, है ना। समझ में आ गया सभी बच्चों को, नोट कर लिया। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्लास चल रही है अभी मेरी, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन फॉरवर्ड होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ा वो डिफ़िकल्ट रहेगा, है ना। अपन ने यहाँ पे एडिशन और इसके क्वेश्चन देखे, अब थोड़ा सा अपन डिफ़िकल्ट एग्जांपल करेंगे, तब आप लोग को दिमाग लगाना है कि इसके अंदर क्या करें। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। इफ टू वेक्टर्स P एंड Q हैज रिजल्टेंट R। क्या बोला हुआ है कि दो वेक्टर है, उन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, क्या बोला हुआ है कि जो दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट जो है वो क्या है, उन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या दे रखा है हमारे को, R। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है कि अगर हमने इफ मैग्नीट्यूड ऑफ P इज डबल,
आपसे क्या बोला है कि अगर हमने पी का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया देन आर इज ऑल्सो गेट डबल। आपसे क्या बोला हुआ है कि अगर आपने पी को डबल कर दिया तो आर भी क्या हो जाता है, डबल। ठीक, मतलब पहले जितना था उससे डबल हो जाता है। और आपसे बोला हुआ है कि इफ क्यू इज रिवर्स्ड, इफ क्यू इज रिवर्स्ड मतलब क्यू की डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दी देन आर इज ऑल्सो डबल। क्वेश्चन ने क्या किया कि पहले केस में तो ये बोला है कि दो वेक्टर है पी और क्यू और उनका रिजल्टेंट कितना है आर। आपसे कहा है कि पी को अगर हम डबल करते हैं तो आर भी डबल हो जाता है, रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। और अगर आपने क्यू को रिवर्स कर दिया यानी इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी उसके बावजूद भी पी आर जो है वो डबल हो जाता है। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे हमारे से पूछा हुआ है कि जो तीन वेक्टर है, अब देखो इसका डायग्राम बनाएंगे थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा कि मान लिया सर कि ये दो वेक्टर है P और Q, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ बताओ इनका रिजल्टेंट जो होगा अगर मैं कहूँ थीटा तो रिजल्टेंट इनके बीच में आर यहाँ आएगा ना, ये तो गिवन है ना। फर्स्ट हमारे को ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि P और Q है उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो मान लिया यहाँ जो रिजल्ट है वो कितना हो गया R। अब आपने क्या करा है, हमने ये करा कि यहाँ पे P को डबल कर दिया, P को डबल कर दिया तो मैं देखो अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। तो P को डबल कर दिया इसका मतलब ये कर दिया यानी 2P हो चुका है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, अगर किसी वैक्टर को डबल कर देते हैं डायरेक्शन वही रहती है। इफ वैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर नंबर, स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं देन डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन सेम रहती है, बस क्या होता है लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेंथ क्या हो जाती है इंक्रीज। और कितनी इंक्रीज होगी, तो पी थी तो डबल हो गई, क्यू जो था वो तो यहीं रहेगा तो ये क्यू इधर हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा था तो मुझे बताओ आर क्या हो गया। आर क्वेश्चन ने कहा है आर भी 2R हो गया, आर भी क्या हो गया 2R। तो पहला डायग्राम तो ये बनेगा ना कि 2P और Q उनका रिजल्टेंट कितना हो गया 2R, दोनों के बीच में एंगल कितना है अभी भी थीटा। चलो अगला, ये तो केस वन जो उसने कहा है। अब केस टू क्या बोला हुआ है कि अगर हम ये P है और ये Q है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो अगर हम Q को रिवर्स करते हैं, किसको रिवर्स करते हैं Q को, तो Q को रिवर्स करने का मतलब माइनस Q इधर हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा होगा। तो आपसे बोला है उनका जो रिजल्टेंट आता है वो अभी भी 2R आता है, तो डायग्राम यही बनेगा ना P और Q, एंगल उनके बीच में थीटा, Q को रिवर्स कर दिया तो ये माइनस Q हो गया क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है Q इज रिवर्स, Q रिवर्स करने का मतलब अपोजिट बना देना, तो ये माइनस Q हो गया। अब हमने देखा P और Q के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा हुआ तो रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा और क्वेश्चन ने कहा है अभी भी R डबल हो जाता है, तो R का डबल मतलब 2R होगा। अब मुझे बताओ ये केस 2 है और ये केस 1 है ना। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि एक कंडीशन ये है केस 1 और ये केस 2, अपन क्या लिख सकते हैं फ्रॉम ए कंडीशन से क्या लिख सकते हो कि P और Q का रिजल्टेंट अगर R है तो ये लिखोगे ना R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, ये लिखेंगे ना कि P और Q के बीच में एंगल थीटा है उनका रिजल्टेंट R है तो ये लिखा जाएगा। अब मुझे बताओ स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, क्या ये एक क्वेश्चन आई है ना। अब सेकंड मुझे बताओ, सेकंड के अंदर मैं आपसे कहूं कि ये 2P और ये Q, अगर मैं कहूं फ्रॉम केस वन से अगर आप कहे तो क्या कह सकते हो, केस वन से ये कह सकते हैं कि 2R है किसका रिजल्टेंट 2P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2 2P Q cos थीटा, अरे यही आएगा ना।
अब हमारे पास जो नए वेक्टर है वो 2p और q है, जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट कितना है 2r, तो वही लिखा। अब स्क्वायर कर दो तो क्या ये 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 4pq cos थीटा आएगा। ये इक्वेशन नंबर b हो गई। देखो बच्चों मैं ये इक्वेशंस क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मेरे पास रेशियो निकालना है पी क्यू और आर का, और वेरिएबल हमारे पास क्या क्या है, ना तो पी गिवन है, ना क्यू गिवन है, ना आर गिवन है, ना उनके बीच का एंगल गिवन है। तो एटलीस्ट मुझे रेशियो निकालने के लिए तो 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और तीनों कंडीशन ही मुझे दे रखी है। अब केस 2 से बोलो, फ्रॉम केस 2, तो केस 2 क्या बोलता है कि दो वैक्टर है पी और माइनस क्यू, पी और माइनस क्यू, यानी ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट कितना है 2r, तो क्या ऐसे लिखोगे क्या 2r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, है ना। p और माइनस q का मतलब सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट हो गया। अब क्या लिखेंगे इसे, ये आया सर 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर c हो गई, ये इक्वेशन नंबर c हो गई। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी, मुझे यहां पे एक चीज पता है कि अब मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूं। तो इजिली सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले तो देखो बच्चों अगर अपन चाहते हैं कि यहां पे वैल्यूज निकाले तो कैसे निकालोगे। देखो अगर मैं इक्वेशन ए एंड सी से देखूं, ए प्लस सी किया तो इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, यही आएगी ना। अरे भाई यही आ गई इक्वेशन नंबर 1, है ना। और अगर मैं कहूँ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, मैंने क्या करा ए और बी से क्या देखा, अगर मैं ट्वाइस इक्वेशन ए प्लस बी करूँ, सॉरी ट्वाइस इक्वेशन ए माइनस बी करूँ तो क्या आता है। देखो इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और बी इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो देखो क्या 2r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 4pq cos थीटा, है ना। और इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस 4pq cos थीटा, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने थीटा वाली टर्म इलिमिनेट हो जाए। देखो ये इससे कैंसिल, कितना आया माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, है ना। अब मुझे यहाँ पे बताओ अगर मुझे 1 और 2 को सॉल्व करना है तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आया, ऐड कर दो तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे। इसी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो देखो क्या आया, ये आया सर r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया 4q स्क्वायर, हो गया ना। तो यहाँ से देखो क्यू की जो वैल्यू आई, या अपन ऐसे के लिखें क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाय 4, तो क्यू आ गया हमारे आर बाय 2, क्यू जो निकल के आ गया वो कितना आ गया आर बाय 2, प्लस माइनस लगा सकते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी इक्वेशन में क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर बाय 4 पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे इसमें कट दिया तो माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाय 4, तो ये कितना होगा बच्चों, ये आ जाएगा जब पी स्क्वायर तो ये कितना होगा 9r स्क्वायर बाय 4, तो p की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3r बाय 2 आ गया। मुझे निकालना क्या है, निकालना ये है सर p रेशो q रेशो r, क्या निकालना है p रेशो q रेशो r। तो यहाँ देखो p की वैल्यू 3r बाय 2, q की वैल्यू r बाय 2 और r की वैल्यू r, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आया 3:1:2, ये हमारा आंसर निकल के आया, है ना। तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कराने का मेन पर्पस ये था कि हमारे को डायग्राम बनाना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा इतना बड़ा क्वेश्चन अपने को आना चाहिए, वैसे देखो बच्चों ये इतना टफ नहीं था, इसके बाद तो अपन ने कैलकुलेशन करी है, पर ये वाली चीज़ समझना कि जब आप लोगों को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में डायग्राम से अपने को सब समझ में आ जाएगा। इसे इसलिए कर रहे हैं तो ताकि अगर ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे तो अपने को बहुत जल्दी अप्रोच लगेगी दूसरे क्वेश्चन में, है ना।
अब ये जिन जिन को समझ में आ गया है वो मुझे थंब के थ्रू रिप्लाई कर दें ताकि फिर अपन आगे बढ़ सके। और अगर इसको वापस एक्सप्लेन करना हो तो वो भी बता देना, है ना। पर डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, जिस जिसको भी ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि आपन ने इन क्वेश्चन में क्या किया है, तो ये क्वेश्चन अगर वापस भी एक्सप्लेन करना होगा तो कर लेंगे, पर अपने को समझ में आना चाहिए। है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था ये मेन पर्पस इसका क्या है, ये मेन पर। अब देखो बच्चों, आज अगर अपन ये क्वेश्चन नहीं करते तो अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन में केवल छोटे क्वेश्चंस की अप्रोच होती। केवल मनन का रिप्लाई आया है भाई, बाकी लोग भी बताएं, जिस जिनको भी समझ में आ चुका है प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू थम बेच के रिप्लाई करें ताकि फिर मैं अच्छा ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से समझना जिनको भी समझ में नहीं आया है। देखो मान लो बच्चों कि अपने को क्वेश्चन ने दे रखा है कि दो वेक्टर है जिनका रिजल्टेंट आर है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ तक का पढ़ा और उससे ये डायग्राम बनाया कि दो वेक्टर मान लिया, एक पी वैक्टर है और एक क्यू वैक्टर है। क्या माना, एक पी वैक्टर है और एक क्यू वैक्टर है जिनका रिजल्टेंट आर हो गया, है ना। क्योंकि अपने को पता है दो वेक्टर अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में आएगा, तो ये आ गया। अब अपने से क्या बोला हुआ है कि हमने क्या करा कि पी को डबल कर दिया। तो पी को डबल करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी वेक्टर को डबल करने का मतलब होता है या स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब डायरेक्शन सेम रहती है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो हमने देखा कि पी जो था वो टू पी हो गया, तो डबल लेंथ हो जाएगी, एंगल अभी भी दोनों के बीच में थीटा रहेगा क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, तो रिजल्टेंट आया 2r। रिजल्टेंट कितना आया 2r। तो देखो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने बनाई कि a और p और q का रिजल्टेंट r है, तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। तो इस इक्वेशन को स्क्वायर करा तो r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू cos थीटा। अब दूसरी वाली इक्वेशन से क्या देखा कि 2p और q दो वेक्टर है जिनके बीच में एंगल थीटा है, रिजल्टेंट कितना है 2r। तो ये लिखेंगे 2r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p q और यहाँ cos थीटा। तो देखो ये आया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करने पे 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 4pq cos थीटा। केवल ये दो इक्वेशन बना ली। अब थर्ड में उसने कहा है कि q को रिवर्स कर दिया, q को क्या करा रिवर्स, क्यू को रिवर्स करने का मतलब डायरेक्शन आपने चेंज कर दी। तो डायरेक्शन चेंज करते ही हमने देखा ये तो सब्ट्रैक्शन बन गया, और सब्ट्रैक्शन बनने का मतलब क्या हो गया कि एंगल में जहां अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा आता था वहां माइनस टू ए बी कॉस थीटा आएगा। तो यहां देखो क्या आया, 2r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा आया। अब देखो इक्वेशन ए और सी को देखो, मैंने ये तीन इक्वेशन से अब कैसे क्या करना है, वेरिएबल हमारे पास चार है आर पी क्यू और थीटा, पर मुझे रेशियो निकालना है तो तीन इक्वेशन की जरूरत है, तीनों अपने पास है। अब मैंने क्या करा, टू पी क्यू कॉस थीटा को रिप्लेस करने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ, टू पी क्यू कॉस थीटा टू पी क्यू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 5r स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया। फिर हमने क्या करा, इसमें से इसको माइनस किया, किसमें, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में से बी वाली इक्वेशन को माइनस किया, पर फर्स्ट को दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस करने पे ये माइनस टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया। फिर इन दोनों इक्वेशन में मैंने देखा कि अब मेरे पास यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए सफिशियंट है, तो मैंने क्या करा P और Q की वैल्यू R की फॉर्म में निकाल ली। जैसे Q की वैल्यू आई प्लस माइनस R बाय टू, है ना, ऐसे ही यहाँ पे P की वैल्यू भी प्लस माइनस R बाय टू आई। तो मुझे पता है रेशो में जो R आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो मैंने P की वैल्यू निकाली वो आई 3R बाय टू, Q की वैल्यू निकाली वो R बाय टू, इसमें पुट कर दिया तो हमारा आंसर आया 3:1:2।
ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, जिनको भी नहीं हुई है वो प्लीज़ मुझे बता दे। सभी बच्चे जिन जिन ने भी इस क्वेश्चन की अप्रोच को समझ लिया है प्लीज़ मुझे थंब के थ्रू रिप्लाई कर दें। इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वेक्टर का नहीं आएगा बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तभी आ सकता था जब अपने को यहाँ पे ये सारी चीज़ आती हो, है ना। इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ बताई है कि अपने को ये अप्रोच आनी चाहिए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन भले ही बड़ा है पर इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ थी अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो उसके बाद तो कैलकुलेशन है। जिन जिन ने भी नोट कर लिया हो वो भी मुझे रिप्लाई कर दें। बताओ भाई समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़ें। सभी बच्चे जिन जिन ने भी नोट कर लिया है उसका भी बता दो, जो भी नोट कर चुके हैं प्लीज़ वो भी रिप्लाई कर दें ताकि अपन आगे बढ़ें। ठीक है चलो, अब देखो बच्चों मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो अपने को ध्यान में रखनी है। देखो हमारे से बोला जाए पहली इन्फॉर्मेशन, या इसको आप ऐसे समझ लेना कि ये नोट पॉइंट है तो आप लोग इसको याद करने में भी ध्यान में रखना है ना, क्या चीज़ है नोट जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है, इफ़ अच्छा एक और चीज़ मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। आप लोगों ने कभी देखा कि जब कभी भी फ़ैन बनाया जाता है अपने रूम में जो फ़ैन होगा ना उसको देखना, आप देखोगे तीनों जो फ़ैन की जो शाफ्ट होंगे वो एक दूसरे से इक्वल एंगल पे होते हैं। और आप देखना बिल्कुल फ़ैन जो होता है अगर नया है
पुराना हो जाता है तो वो क्या होता है, हिलने डुलने लग जाता है ना वो। बाकी ये समझ लो नया फ़ैन है तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल क्या होते हैं, वहाँ पे वो जो फ़ैन होते हैं वो इक्वल एंगल पे होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है बच्चों कि अगर अपने से पूछा जाए या अपने से कभी बोला जाए, इफ थ्री एंड मोर देन थ्री वैक्टर्स आर एट इक्वल एंगल टू ईच अदर, अगर तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर जो एक दूसरे से इक्वल एंगल पे है, हैविंग सेम प्लेन एंड मैग्नीट्यूड, अगर हमारे से बोला जाए कि तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और सेम प्लेन के अंदर है, देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री वैक्टर्स आर जीरो ऑलवेज। हमेशा ध्यान में रखना है ना, क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि तीन वेक्टर्स या तीन से ज़्यादा, वैसे मैं बता दूँ, जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर हो गया है ना, तो दूसरा वेक्टर यहाँ हो गया और तीसरा वेक्टर यहाँ हो गया। अब समझना ये एंगल भी 120 है, तीन वेक्टर होंगे तो 120 120 120। प्लेन क्या है? प्लेन है सर एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन है तो तीनों का जब एक्स वाई प्लेन होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो अगर अपने से पूछा जाए तो समझना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आया। देखो कैसे आएगा, ये ए और ए। मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, अगर मेरे से बोला जाए कि इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, कितने का? 120 का। तो ये दो ए वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा 2a cos θ/2, यानी 2a cos 60, यानी कितना आया? ये तो ए ही आया, ये तो कितना आया? ए ही आया। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं इस डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा? ए के इक्वल आएगा। तो ये ए और ये दोनों अपोजिट हो गए, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो ये चीज़ हमने देखी कि अगर कोई तीन वेक्टर या तीन से ज़्यादा है, अब ज़्यादा वाले में भी देख लेते हैं, जैसे मान लो चार वेक्टर है तो चार वेक्टर होंगे तो ये आ गया, देखो ए ए ए ए है ना, ये 90 90 90, यानी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, एक्स वाई प्लेन हो गया, कंडीशन फुलफिल है ना। तो अब मुझे बताओ ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे बच्चों अपन ने, मैंने बताया था ना अपन जैसे वो रस्सी वाला गेम खेलते हैं कि बीच में अपन ने रुमाल बांध दिया, कुछ लोग इधर है कुछ लोग इधर है। अब सोचो इधर वाले भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना इधर वाले, तो क्या वो कपड़ा कहीं खिसकेगा? क्या नहीं खिसकेगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ये दोनों, तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट जीरो। यहाँ भी रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट इधर भी क्या आने वाला है? जीरो। पांच वेक्टर का केस देख लेते हैं, तो पांच वेक्टर में ऐसा आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। ये ए, ये ए, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, कितना एंगल होगा? तो ये 72 होगा, पाँच से डिवाइड करेंगे ना, तो 72 72 72 72 72 है ना। क्या होगा? ये पांचों वेक्टर है, पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो। रीज़न इसके पीछे क्या है? रीज़न वही है। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे कि तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर, तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर अगर एक दूसरे से इक्वल एंगल पे है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम प्लेन पे हैं, तो हमेशा उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? जीरो। अब अपन आते हैं नोट पॉइंट टू पे। क्या आते हैं? नोट पॉइंट टू पे। पहला पॉइंट तो हमने देख लिया, नोट टू देखो। नोट टू क्या बोलता है कि अगर सेम प्लेन नहीं हुआ, डिफरेंट प्लेन हुआ तो क्या होगा? तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर रिक्वायर्ड
टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट इन सेम प्लेन. सेम प्लेन के अंदर तो कितने चाहते हैं, थ्री. एंड इन डिफरेंट प्लेन आर फोर. अगर हमारे से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ वेक्टर जरूरी है जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करने के लिए सेम प्लेन में, तो सेम प्लेन के अंदर अगर अपने को जीरो प्रोड्यूस करना है ना, अगर अपने से बोल दिया जाए कि दो अलग अलग प्लेन की बात हो गई ना. अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर एक एक्स में होगा एक माइनस एक्स में हो गया, तो वो तो बच्चों प्लेन नहीं हुआ ना, तो एक ही डायरेक्शन हुई. अगर दो डायरेक्शन में है तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे, तीन सेम प्लेन में. और डिफरेंट प्लेन में होंगे, तो मैं सेम प्लेन का मतलब तो ऐसे कह रहा हूँ बच्चों, जैसे ये देखो ए 120 डिग्री जो मैंने अभी बताया 120 डिग्री, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये xy प्लेन में. अब देखो चार वेक्टर क्यों जरूरी है, ये a x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन. इसमें भी एक a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, या a ये b मान लो या c मान लो, है ना. वैसे तो इक्वल होना जरूरी है, तो ये a और ये a, तो तीन डायरेक्शन तो पहले ही हो गई ना. तो मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो xy प्लेन में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो एक्स वाई प्लेन में आएगा. तो फिर अपन मिनिमम तीन से कैसे जीरो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जेड डायरेक्शन में और ये किस में, एक्स वाई प्लेन में. ऐसे समझना कि ये दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा इधर, पर कैसे, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, है ना. पर ये जो है वो तो क्या है, जेड डायरेक्शन. तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट लग रहे हैं, पर अपोजिट है नहीं. तो जब अपोजिट नहीं है तो यहाँ पे हमारे को एक थर्ड वेक्टर लेना पड़ेगा. और मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ. देखो अपन इसमें थ्री डायमेंशन में समझते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा. मान लो बच्चों कि ये हमारी एक्स डायरेक्शन, ये हमारी वाई डायरेक्शन और ये हमारी जेड डायरेक्शन. ये हमारा तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, ये और ये, ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है. ये ऐसा ठीक दिख रहा है, x y z. अब ध्यान से समझना, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूं. मुझे अगर ये बोला जाए, अपन टू डायमेंशन में बनाते हैं ना, तब तो अपने को ऐसा लगता है कि ये होगा, पर ऐसा नहीं होता है. देखो ये और ये, ये और ये, इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन इसकी x और ये y है. दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो इधर कहीं आएगा, आएगा ना. क्या ये इसको बैलेंस कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा. इसका मतलब मुझे इन दोनों के रिजल्टेंट की जब जरूरत पड़ेगी तो एक तीसरा वेक्टर, एक और चौथा वेक्टर चाहेगा जो इसको क्या कर ले, बैलेंस. तो इन तीनों की जब अलग अलग प्लेन है, जैसे अगर अपने को बोला जाए कि चार तीन वैक्टर है पहले से ही जो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो मिनिमम हमारे को चार वैक्टर चाहेंगे ताकि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर सकें, जीरो वेक्टर. तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना, अगर तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर एक दूसरे से इक्वल एंगल पे है, सेम प्लेन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो हमेशा रिजल्टेंट जीरो आएगा. और अगर ऐसा पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ वैक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, सेम प्लेन में तो तीन होते हैं, डिफरेंट प्लेन में जो होते हैं वो चार होते हैं, ठीक है. अब ये नोट कर लो, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी. जिन जिन भी बच्चों को ये चीज समझ में आ चुकी है वो मुझे बता दें, ठीक है. नहीं बच्चे नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, हाँ ये मेरे से
क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली है, नेगेटिव वैल्यू भी ली जा सकती है, पर वो रेशियो में तीनों में नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। तो जब नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो फिर वहाँ रेशियो वही आएगा। तो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस में आएंगे। तो ये आज ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने लास्ट वाले में बताया तीन वेक्टर, ये आप देखना, आप लोग के एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे आप लोग को, या मॉड्यूल के अंदर मिलेंगे, है ना। अच्छा, सेकंड नोट में आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड नोट का कहना ये है बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि जैसे मान लो ये तीन वेक्टर है, ये ऐसा कुछ ये हो गया, है ना, कौन सी x, y और ये z डायरेक्शन। ध्यान से समझो, अब जिस जिसको भी समझ में नहीं आया है वो समझना, ये x, ये y और ये z दिख रही है, ये z तो आपकी तरफ आती हुई, जिनको भी समझ में नहीं आया वो ध्यान से समझो, ये x, ये y और ये z। अब देखो, मुझे पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, तो रिजल्टेंट जो निकालेंगे वो सेम प्लेन में आएगा, सेम प्लेन में ऐसे बना दिया, जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो किस में आएगा, सेम प्लेन में, तो वो इधर आ गया, इधर आया तो ये एक्स वाई प्लेन ही दिख रहा है ना, ये तो जेड में है, जेड में है तो क्या ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे क्या, नहीं। जब बैलेंस नहीं कर रहे तो मुझे एक और चौथा वेक्टर चाहेगा ना, तो मिनिमम जो चौथा वेक्टर होगा वो इधर होगा, जो इसको क्या कर लेगा, बैलेंस। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, मिनिमम नंबर ऑफ वैक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट वो कितने होते हैं, 4। ज़्यादा भी हो सकते हैं अलग अलग केस में, पर मिनिमम तो कितने चाहेंगे, 4। इससे कम में काम नहीं चलेगा अपना, है ना। और अगर मैं आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछूं जो मैंने कल सिखाया था, सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे, इफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 and 11, देन विच of the following, which of the following will not be resultant, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है 3, बी ऑप्शन दे रखा है 5, सी ऑप्शन जो हमारे को दे रखा है, नहीं ये दे रखा है 10, ये 11, ये 12 और ये डी ऑप्शन दे रखा है 13। इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, सभी बच्चे मुझे आंसर बताएं, 10, 11, 12, 13 के अंदर में से कौन सा आंसर होगा, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया ये वापस, इसका आंसर मैंने कल आपको बताया था कि कैसे देखना होता है, जो सबसे पहले बताएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सबसे पहले साजिद का आया 13, बिल्कुल सही है, सबसे फर्स्ट आया साजिद। सेकंड देखते हैं किसका आता है, सेकंड कल मैंने आप लोगों को देखना बताया था कैसे देखते हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट, कैसे देखते हैं, कैसे देखा जाता है। कुणाल का भी आंसर सही है 13, कैसे देखा जाएगा, बाकी सब भी बताओ जल्दी से। मनन का भी आंसर आ चुका है, मनन आप थर्ड हो, बाकी लोग सब लोगों को आता है ना ये क्वेश्चन, सबको आंसर आना चाहिए। बाकी लोग जो पढ़ते पढ़ते सो गए वो भी बताएं। अरे कैसे देखते हैं ये क्वेश्चन को, कल मैंने आप लोगों को बताया था कैसे, कि अगर दो वेक्टर है तो इफ टू वेक्टर ए एंड बी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी की,
वो आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू ये देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 माइनस 11 करूँगा और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 11 करूँगा, तो ये आया 10, क्योंकि मोड है ना, तो मोड होगा तो यहाँ पे माइनस 10 आएगा, पर 10 माइनस 10 का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो गया 12। यानी 10 से लेके 12 तक की जितनी भी वैल्यू होगी वो सब रिजल्टेंट हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है ना, ठीक है। तो फिर यहाँ आंसर क्या आएगा, 10 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 13 वाला, ठीक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 13। आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा 13, ठीक है। चलो अब अपन बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर जो होगा वो डिस्कशन करेंगे, ठीक। सभी बच्चे मुझे आज डाउट भेजेंगे, ठीक है ना, आज जिस जिनको भी समझ में आ गया है थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, मैं यहाँ पे